क्या स्टोमा बनाने के बाद पेशेंट की ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है? इस बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर चिंतामणि गोडबोले है। मैं एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड कोलोरेक्टल सर्जन हूँ। काफ़ी बार इंटेस्टाइन की सर्जरी के बाद हमें स्टोमा बनाना पड़ता है। इसमें हमें इंटेस्टाइन का एक हिस्सा स्किन पर लाके उसको ओपन करना पड़ता है। इसके बाद स्टूल और वेस्ट मटेरियल इंटेस्टाइन में जनरेट होता है, इस स्टोमा के थ्रू बाहर आके एक बैग में कलेक्ट हो जाता है। ये स्टोमा या तो टेम्पररी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। परमानेंट स्टोमा यूजुअली उन केसेस में बनाते हैं जिनमें बड़ी आंतड़ी का या रेक्टम का कैंसर होता है। टेम्पररी स्टोमा भी कई बीमारियों में बनाना पड़ता है, जिसमें हमको पेशेंट के स्टूल्स को डाइवर्ट करना पड़ता है। किसी भी पेशेंट के साथ हम स्टोमा बनाने के बारे में डिस्कस करते हैं तो पेशेंट्स को हमेशा शॉक बैठ जाता है, बिकॉज किसी ने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। सही ट्रेनिंग और काउंसलिंग मिलने के बाद पेशेंट्स स्टोमा के साथ एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। नाउ, जो वेस्ट मटेरियल या फीकल कंटेंट या स्टूल जो स्टोमा के बाहर आता है, ये एक बैग में कलेक्ट होता है। बैग एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस है जिसको हम स्टोमा बैग कहते हैं। इसमें एक रिजर्वायर बैग होता है, एक आउटलेट होता है और एक इनलेट होता है। स्टोमा बैग का इनलेट एक स्टिकर के जैसे होता है जो पेशेंट की चमड़ी पर चिपक जाता है। स्टोमा के साइज़ के हिसाब से इस स्टिकर में हमें छेद बनाना पड़ता है, ताकि स्टोमा में से आने वाला जो फीकल मैटर है ये आजू बाजू स्किन के कॉन्टैक्ट में ना आते हुए स्टोमा बैग में गिर जाए। किसी भी ऑपरेशन के बाद जब भी हम स्टोमा बनाते हैं तो पहले कई दिनों के लिए पेशेंट को इसका ख्याल रखने में बहुत हेल्प लगती है। यह हेल्प साधारणतः कोई भी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर लेता है, पर जैसे जैसे पेशेंट ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है, चलने फिरने लगता है, खाने लगता है, हम धीरे धीरे पेशेंट को काउंसलिंग और ट्रेनिंग करते हैं, जिससे पेशेंट्स अपनी स्टोमा बैग का ख्याल खुद रख सकते हैं। नॉर्मली इस स्टोमा बैग में जो फीकल मैटर जमता है उसको दिन में 2-3 बार पेशेंट को टॉयलेट में खाली करना पड़ता है, और थोड़े दिनों के बाद यह बैग चेंज करनी पड़ती है। वंस पेशेंट इस पूरी प्रोसेस से यूज्ड टू हो जाता है, ट्रेनिंग मिल जाती है, काफ़ी बार फैमिली मेम्बर्स भी हेल्प करते हैं, स्टोमा के पेशेंट्स एक नॉर्मल ज़िंदगी या नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं कि स्टोमा के बाद क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं काम कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है येस। स्टोमा के पेशेंट्स आउटडोर ट्रैवल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बाहर दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो सकते हैं, और वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी कर सके। इवन अदर एक्टिविटीज़ जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलनी हो, आउटडोर स्पोर्ट्स, जिम में एक्सरसाइज करना हो, इवन ये एक्टिविटीज़ पर कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वंस स्टोमा के साथ पेशेंट यूज्ड हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वो एक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नॉर्मल इंसान के तुलना में वो नहीं कर सकते। बट इस प्रोसेस में, इस जर्नी में पेशेंट को काउंसलिंग और हेल्प की हमेशा ज़रूरत होती है, जो हम हमेशा उनको प्रोवाइड करते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।